हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन हट चुका है, लाइक पूरी तरीके से नहीं लेकिन हट चुका है मोस्टली। तो एक हफ्ते से सोच रहे थे बाहर जाने का, बट एक हफ्ते से कंटिन्यू बारिश आ रही थी और बारिश के कारण हम जा नहीं पाए। तो आज थोड़ा मौसम खुला है, देखते हैं। हमें थोड़ा मार्केट साइड जाना था, शॉपिंग करनी थी, थोड़ा सा जो भी दो तीन और काम थे, और हो सके तो पार्लर मिले तो पार्लर में भी मुझे जाना था, मुझे अपनी आईब्रोज भी बनानी थी। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है, तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्या मिलता है, शॉप्स मिलती है ओपन या पार्लर मिलता है, नहीं मिलता है। तो जो भी होता है वैसे आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। ब्लश भी हमारे साथ गाड़ी पे बैठ के जाएगी, तो अभी हम लोग ब्लश को घुमा के आ गए हैं और बहुत ज्यादा तेज धूप है। तो एक काम तो नहीं हुआ हमारा, अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, देखते हैं वो भी होता है कि नहीं। एक जगह पे आए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ट्रैफिक की आवाज़ से मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट लेट्स सी कि वहाँ पे भी काम होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे मैं वेट करते करते वो देख रही थी, यहाँ पे गरम गरम भजिए बन रहे हैं, बट तेज धूप है, खाने की इच्छा नहीं। अगर यही बारिश होती तो मैं इसको ज़रूर खाती। गरम गरम भजिए बन रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो हमारा दूसरा काम था वो हो गया, अभी हम तीसरे काम की तरफ जा रहे हैं, देखते वो होता है कि नहीं होता है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मुझे काम है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, तो मैं थोड़ा सा बाहर रुकूंगी, थोड़ा भीड़ का कम होने का वेट करूंगी, क्योंकि आवाज़ तो वैसे भी मेरी आ नहीं रही होगी क्योंकि विदाउट माइक मैं बात कर रही हूँ, लेकिन स्टिल मैं दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे काम से आई हूँ, देखते हैं कि ये काम होता है कि नहीं मेरा। वहाँ पे तो हमारा काम नहीं हुआ, तो हम कहीं और जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे हमारा काम होता है कि नहीं होता है। और इतनी भीड़ में बाप रे, और धूप भी बहुत तेज़ है, आप लोग देख सकते हो मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी हुई है। थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी फेस करना पड़ सकता है आगे चल के। तो लॉकडाउन खुल गया, सब लोग बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी। एक्चुअली कल भी सब बंद था, तो देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है, देखिए ट्रैफिक कितना लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा ट्रैफिक ही है। और एक काम हो गया, एक नहीं हुआ है, वापस से उस काम के लिए मुझे जाने का है, और देखते हैं कि क्या होता है। अभी हमने देखा थोड़ा मौसम अच्छा है, अच्छा लग रहा है, लाइक बारिश नहीं हो रही है, वैसे धूप तो है, गर्मी भी हो रही है, तो हमने सोचा थोड़ा आउटर में चलते हैं और देखते हैं मार्केट के बाहर जाके थोड़ा सा आउटर में, और वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करेंगे, देखते हैं खाली है, भीड़ है, क्या है, कैसा है माहौल। तो लेट्स सी। तो अभी हम आउटर में, कितनी प्यारी जगह आए हुए हैं, यहाँ पे रास्ते के साइड में गार्डन जैसा बहुत दूर तक बना हुआ है, और सरप्राइज ये है कि मैं जस्ट लेक के सामने खड़ी हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है रास्ता, रास्ते के इस तरफ मैं हूँ, इस तरफ है लेक, तो अपन जाते हैं देखते हैं। इतना प्यारा लग रहा है, पानी, हवा, तेज हवा चल रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ गई कि नहीं, लेकिन बहुत सही है सब कुछ। और ये रास्ते के साइड में हूँ मैं, और ये है लेक। घर से बाहर निकल के एकदम से ऐसा व्यू देखना बहुत 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 अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग बाहर नहीं निकले, कहीं गए नहीं है, कुछ देखा नहीं है, और अभी लॉकडाउन भी खुल गया है और बारिश भी नहीं है, तो ये बहुत सही टाइम है ये सब चीज़ें करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा। अब मैं, आप बोल रहे होंगे कि मैं ये क्यों मैंने दुपट्टा ओपन नहीं करके रखा हुआ है, तो रीज़न है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और मेरे को टैनिंग नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा एंजॉय करूँगी और बाद में टैनिंग लेके बैठूँगी, बहुत दिन तक मुझे टैनिंग रिमूव करनी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा सब कुछ ढक के हूँ, मैंने इवन समर कोट भी पहन के रखा हुआ है, यही रीज़न है। और ये है, मुझे सच में बहुत सही लग रहा है, ये पेड़ भी देख रहे हो, पेड़ भी सुंदर लगने लग गया है मुझे अब तो।
बटरफ्लाईज है। भी वी हैव सोल्यूशन है। तो यहाँ पे एक ये छोटी सी हट जैसा बना हुआ है जो कि बहुत बहुत प्यारा है, किसी को धूप में रुकना हो तो रुक सकते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है ये हट जो भी है, छोटी सी है एकदम, बारिश में अपने आप को बचा सकते हैं, धूप में अपने आप को बचा सकते हैं, बहुत सही है। और यहाँ से लेक का व्यू जो है वो भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। एक्चुअली ये भी मुझे लगता है लेक का ही एक साइड रहा होगा जिसमें ये पूरा बड़ा हुआ, पर बीच में से रास्ता जाने के कारण ये डिवाइड हो गया और यहाँ पे पानी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे इसलिए ग्रास वगैरह बहुत ज़्यादा उगी हुई है। और बस मेरी हालत तो देखो धूप में और गर्मी में कितनी बेकार चल रही है, बट ठीक है यार। देखो कितनी धूप है, मेरे चेहरे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी ज़्यादा धूप है। माइक नहीं है मेरे पास, इतनी आवाज़ आ रही होगी नहीं, बट हाँ। और ये बहुत सही लग रहा है सब कुछ, वो देखो वो लड़की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं थोड़ी छोटी सी भी जगह पे आई हूँ, लेकिन मैं तो रास्ते में खड़ी हूँ, चलो किसी जगह पे गई नहीं हूँ, बट मैं एंजॉय इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरे को बाहर निकल रहा है। तक जाने वाली हूँ ऐसा राउंड लेके, सारी चौपाटियाँ एक्टिव हो गई है लग रहा है। तो ये गार्डन है लेक साइड वाला और ये अभी लॉक्ड है। ये वो टेंपल है और लोग नहा रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली उस साइड से आप लोगों को ये व्यू दिखा रहे थे उस साइड से, ये यहाँ से पानी बहुत पास में है, लोग नहाते हैं यहाँ पे, करते हैं पूजा पाठ जो भी करते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। इसी के लिए मुझे लगता है ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत प्यारा लग रहा है। छोटा सा दरगाह भी है यहाँ पे, तो हम लोग यहीं पे रुके हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, क्या सीनरी चल रही है। हम लोग कहाँ थे गाइज और वहाँ से हम लोग यहाँ तक आए, और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए हम यहाँ तक आए। अभी हमको रिटर्न जाना है, हमारे काम करने हैं, तो चलते हैं काम की तरफ जो हम कर रहे थे अभी तक, चलो लेट्स गो। तो फाइनली हम घर आ चुके, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं गर्मी और धूप के कारण, देख सकते हैं हमारी हालत। दो चार काम हुए हैं, दो चार नहीं हुए हैं, उसके लिए बाहर वापस से निकलना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कब निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी बारिश हो रही है, जब हम लोग बाहर गए थे तब धूप थी, अब तो देख सकते हैं कितना मतलब लाइक सडनली मौसम चेंज हो जाता है। तो अभी बारिश हो रही है, मौसम भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और आज के लिए बस इतना ही। सब अपना ख्याल रखें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं, बोल सकते हैं आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग एंड ऑल, सो प्लीज़ गाइज कमेंट करें।